हेलो अलका जी, हेलो दीपक जी, हेलो रोहिणी जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे जी, विक्की जी, गुड आफ्टरनून, हेलो नीलिमा जी, राधे राधे जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हेलो दर्शना जी, राधे राधे जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसा रहा आप सबका करवा चौथ? अच्छे से सेलिब्रेट किया सब डे? हाँ, मेरा व्रत भी बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय किया। चलिए तो बैक टू वर्क। कल मुझे क्लास लेनी थी बट पॉसिबल नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ फास्टिंग, और बच्चों ने मुझे परमिशन ही नहीं दी कि मम्मा आप इतना बोलोगे तो फिर आपको प्यास लगेगी तो आप कल क्लास मत लो। अदरवाइज मुझे क्लास लेनी थी पर दोनों ने मना कर दिया कि मम्मा आप बातें बहुत करते हो और आप इतना बोलोगे तो फिर आपको प्यास लगेगी, फिर आप पूरा दिन कैसे रहोगे, तो इसलिए मैं क्लास ही नहीं कर पाई कल। सी, दिस इज द फाइनल आउटकम आफ्टर स्टेंसिल। हेलो पूनम जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू नीलिमा मैम फॉर शेयरिंग, प्लीज आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। मेहंदी, सच में मतलब इतना वेट करना पड़ा ना विक्की जी, मैं क्लास खत्म करके चली गई थी मेहंदी के लिए और इवनिंग के बाद मेरी मेहंदी लगी, और वो भी मतलब कलर तो बहुत अच्छा आया बट एज अ डिजाइन ठीक है, करवा चौथ की मेहंदी है तो अच्छी तो लगेगी, पर उतना अच्छा डिजाइन नहीं लगा जितना मैं चाह रही थी, पर फिर भी बहुत अच्छी है, आई लव दिस। हेलो पारुल जी, राधे राधे जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हेलो ज्योति दी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें हम करेंगे छोटी छोटी सी। देखिए, सब मेरे से पूछ रहे थे कि हम ना स्टिक कैसे करेंगे इसको, तो इस तरह के ना हैंगिंग क्लैम्स आते हैं, ओके, इस तरह के क्लैम्स आपको मिल जाएंगे, 4 to 5 रुपीज का एक क्लैम मिलता है, मे बी 8-9 रुपीज का भी हो सकता है, मुझे श्योर नहीं है। तो इसको आप बैक में ग्लू गन से स्टिक कर सकते हो, या फिर रेजिन से स्टिक कर सकते हो, या फिर आप मोल्डेड से स्टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको स्टिक कर सकते हैं ऐसे बैक में, ये देखिए इस तरह से ना, आप इसको ऐसे स्टिक कर लेंगे तो ये आराम से हैंग हो जाएगी ऑन वॉल और ये बिल्कुल नहीं निकलता। अगर आप इसकी स्टिकिंग अच्छे से करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं निकलेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हेलो मीनू जी, राधे राधे जी, हेलो संयुक्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो ये आप बैक में आराम से बाद में स्टिक कर सकते हैं, अभी तो हम इस पे काम कर रहे हैं। अब दूसरा काम हमें क्या करना है वो ये कि जब हमने इस पे पूरा स्टेंसिल का काम कर लिया तो उसके बाद हमें इसको हल्का सा सैंड पेपर से ना इवन करना होता है, बहुत लाइट सा, ज्यादा नहीं। तो मैंने करके नहीं रखा है, मैं आप लोगों के सामने ये आपको करके दिखा रही हूँ सो दैट बाद में आप लोग आराम से कर सके। हेलो पूनम जी, गुड आफ्टरनून, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं ना, आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। देखिए, बिल्कुल लाइटली इस तरह से, बहुत सॉफ्टली, एकदम हल्के हाथ से आप इसको रब कर दीजिए, बहुत सॉफ्टली। इससे जो भी अनइवन होगा ना पार्ट, वो इवन हो जाएगा। देखिए, बस हल्का सा ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है,
हमने लाइटली इसको कर दिया। अब इसके बाद आप इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। हेलो अनीता जी, राधे राधे जी, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। इसको इस तरह से ब्रश से आप अच्छे से क्लीन कर देंगे और उसके बाद आप इसको एक कपड़े से भी साफ कर दीजिए ताकि आपकी प्लेट पे कहीं पर भी कुछ भी आपको अनइवन ना दिखे। अब इसका जो कलर होना है ना, मैंने आपको बताया था इट्स माय कस्टमाइज्ड डिजाइन, तो इसका जो कलर होना है उसको मैं वाइब्रेंट कलर्स में करने वाली हूँ। मेरे क्लाइंट को ब्राइट कलर्स में ही चाहिए, तो हम कलर इसमें सेंटर में यूज करने वाले हैं येलो, येलो के बाद गोल्डन येलो, बिल्कुल सन वाला इफेक्ट आ जाएगा। येलो, फिर गोल्डन येलो, ऑरेंज, रेड, और रेड के बाहर आप पर्शियन ब्लू ले सकते हो, आप ग्रीन ले सकते हो, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर ले सकते हो। मतलब जो कलरिंग मैं आपको बता रही हूं अगर आप वही करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपना खुद का वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग शेयर कर ही रहे होंगे। हेलो अपर्णा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज माई कलर प्लेट, इसमें मैं अपने कलर्स निकाल रही हूं एंड आई विल शो यू कलर्स ऑल्सो। और सेकेंड प्लेट जो होगी उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे और परसों से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लक्ष्मी जी के चरण। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लक्ष्मी जी के चरण करवाऊंगी ऑन अ एमडीएफ, या तो आप एमडीएफ ले लीजिएगा या फिर पहले की तरह आप सनबोर्ड ले लीजिएगा। और हाँ, एक अच्छी न्यूज, मेरी जो रंगोली है वो सोल्ड आउट हो गई और मुझे बहुत खुशी है कि वो बिक गई, क्योंकि एक अपने मैंने दो डिजाइन बनाए थे, एक अपने लिए बनाया था और एक ऑर्डर के लिए, तो एक बिक गया, एक मेरे पास है जिसे मैं आपको दिवाली पे लाइट करके दिखाऊंगी। बट आई एम सो हैप्पी कि मेरा एक डिजाइन सेल आउट हो गया। थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू सो मच। और लक्ष्मी जी के चरण भी मेरे पास डिमांड में आए हैं, तो लेट्स सी कैसा आउटकम आता है। अगर वो भी अच्छे लगे तो होपफुली वो भी सेल आउट हो जाएंगे। तो परसों से हम लक्ष्मी जी के चरण पे काम करेंगे। बहुत प्यारे से सोचे हैं मैंने, आपको जो सिखाऊंगी उसका जो साइज रहने वाला है वो 4x4 या फिर 5x5, क्योंकि डोर के दोनों साइड पे भी अगर आपको लगाना होगा ना तो वो एकदम एप्रोप्रिएट साइज रहेगा, 4 इंच बाय 4 इंच या फिर 5 इंच बाय 5 इंच। और उसमें भी हम थोड़ा सा कोन का काम कर लेंगे तो क्विकली हो जाएगा हमारा काम। और मटेरियल लिस्ट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगी। आज अगर थोड़ा सा हेक्टिक रहा, क्योंकि कल मैंने कोई क्लास नहीं की, परसों भी नहीं की ना, तो अगर आज शेयर नहीं कर पाई तो मैं आपसे कल डेफिनेटली मटेरियल लिस्ट शेयर कर दूंगी। परसों हम लक्ष्मी जी के चरण करेंगे, वन डे का आर्टिकल रहेगा। फिर हम करने वाले हैं शुभ लाभ भी मैं आपको कुछ अलग सा ही सिखाऊंगी। देन फिर हम दिए बनाएंगे और उसके बाद हमारे हैं श्रीनाथ जी मिरर मोज़ेक आर्ट के साथ, जिसके लिए आप खूब सारे मिरर्स कलेक्ट करके रखिएगा अलग अलग शेप के, और 3-4 शेड्स में करवाऊंगी मैं थोड़ा एडवांस लेवल का, ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। हेलो स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। लेमन येलो, गोल्डन येलो, ऑरेंज और रेड। एक्चुअली मैंने सिरामिक पाउडर इसलिए डलवाया था बिकॉज विदाउट सिरामिक पाउडर ना समटाइम क्ले बहुत मॉइस्ट हो जाता है। आप जो आर्टिकल बनाते हो वो एट अ टाइम तो सही रहता है, बट बाय द टाइम वो मॉइस्ट होके टूट जाता है, इसलिए मैंने उसमें आपको थोड़ा सा सिरामिक पाउडर ऐड करने के लिए कहा था। अनुग्रह जी, अगर आपको एमडीएफ नहीं मिलता है तो आप उसको किसी भी कार्डबोर्ड पे कट कर लीजिए। वैसे एमडीएफ आपको स्नेह से भी मिल जाएगा और रिचा जी से भी मिल जाएगा, आरम द इनोवेशन जोन उनसे भी मिल जाएगा, या फिर स्नेह जो है ना स्नेह हब उनसे भी मिल जाएगा। मैंने स्नेह का नंबर काफी बार डाला है तो आप इनमें से किसी से भी ले सकते हैं। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू सो मच। हेलो श्रुति जी, प्लीज शेयर द वीडियो। इन दोनों में से आप किसी से भी ले सकते हो, बाकी और भी बहुत सारे वेंडर्स आप किसी से भी ले लो, बट मैंने अब तक जो डीलिंग की है या तो स्नेह से की है या रिचा से की है,
और दोनों ही बहुत अच्छी हैं एमडीएफ में, मुझे कभी कंप्लेन नहीं आई। ठीक है, सब्स्टिट्यूट आप उसके जगह मार्बल पाउडर ले लीजिए सिरामिक की जगह, क्योंकि सिरामिक पाउडर पाउडर और मार्बल पाउडर यही हो सकते हैं। अच्छा, आपका नाम पूनम है, ठीक है पूनम जी, तो फिर आप इन दोनों में से किसी से ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई और डाउट? चलिए तो मैं पहले कलर्स निकाल लेती हूँ। एक्चुअली जो आईडी पे नाम लिखा होता है ना, मुझे वही याद रहता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखिए ये चार कलर्स हैं जो मैंने खोले हैं, इनको मैं यहाँ साइड में रख रही हूं। पूनम जी, मेरठ में एमडीएफ कट आउट, मेरठ में आप अशोका वाले से पता कर सकते हो, बुढ़ाना गेट पे जो शॉप है ना, अशोका स्टेशनर्स, उनके पास कुछ कटआउट्स होते हैं। आप लोग अपनी अपनी आईडी से ज्वाइन किया कीजिए ना, अब मेरे को ऐसे याद नहीं रहता है ना किसी का नाम। सिमी जी, आपको तो मैंने पहले भी कहा था, आप अपनी आईडी बना लीजिए, हस्बैंड की आईडी को क्यों यूज करना है। तो आप बुढ़ाना गेट पे अशोका वालों से पता कीजिए, शायद उनके पास मिल जाए, नहीं तो मेरठ में तो ऐसा मुझे कोई एमडीएफ कटआउट का वेंडर नहीं पता। मैं खुद हमेशा या तो स्नेह से ही लेती हूँ, स्नेह हब जो एमडीएफ का काम करती है, शायद वो राजस्थान में है, और या फिर मैं लेती हूँ रिचा से, जिनके पेज का नाम है आरंभ द इनोवेशन जोन। तो इन दोनों के अलावा मैंने कभी किसी से एमडीएफ नहीं लिया, तो आप इन दोनों को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप सर्च कीजिए, क्या पता आपको अमेजोन पे भी कुछ मिल जाए। रिचा का नंबर शेयर कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे हैं, अगर आप वहां पर हैं तो मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं तो मैं आपको वहां शेयर कर दूंगी। फिलहाल शायद वो कैलिफोर्निया है, पर मे बी क्या पता इंडिया वापस आ गई हूँ, आप उससे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्टफ है और स्नेह का भी अच्छा स्टफ है, तो आप किसी का भी ले सकते हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगी आपके साथ। ओके, चलिए हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम साथ साथ में बातें करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, मेरा ये 6 नंबर का ब्रश है, इट्स 6 नंबर ब्रश। मैं सबसे पहले येलो कलर ले रही हूं, लेमन येलो। दिवाली का थीम लेके चल रहे हैं ना हम, तो इस तरह के कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं, और अभी इसमें मिरर भी आएगा और स्टोन्स भी लगा सकते हो। गुड आफ्टरनून वंदना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बस अब फेस्टिवल्स ही रहने वाले हैं ना, अब हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। दिवाली की सफाई करनी है, घर डेकोरेट करना है, शॉपिंग करनी है, कितना काम रहने वाला है। दोबारा से मैंने एक बार और लेमन येलो लिया है, देखिए अगर हम लेमन येलो को मेंटेन रखेंगे ना तो बहुत सुंदर इफेक्ट आएगा हमारा ना, बहुत ही प्यारा। राधे राधे जी, थैंक यू वंदना जी फॉर शेयरिंग। हेलो दीपा जी, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी सिर्फ लेमन येलो और गोल्डन येलो है, ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। बहुत ही घंटों इंतजार करने के बाद जाके मेरी मेहंदी लगी और मुझे अपनी एक क्लास भी कैंसिल करनी पड़ी उसकी वजह से। अभी मैंने ऑरेंज लिया है, ठीक है, सेम ही ब्रश है, मैंने ब्रश को क्लीन नहीं किया, आई एम यूजिंग सेम ब्रश और उसी से ही मैं ले रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। हमारी ये प्लेट ना बहुत सुंदर बनेगी, आप पूजा के बाद ना आपका मन करेगा कि इसको डेकोरेट करके हम अपने ड्राइंग रूम में लगा ले,
बहुत सुंदर प्लेट बनकर आएगी, देखिएगा आप लोग। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। अभी दिवाली का मैंने कुछ भी स्टिच नहीं किया, मोस्टली मैं स्टिचिंग करती हूँ अपनी ड्रेस को। कल वाली ड्रेस भी मैंने स्टिच की थी, तो मेरा मन है कि मैं, मतलब ये वाली ड्रेस मैंने स्टिच की है, ये खुद से स्टिच की है। जो मैंने ग्रीन ड्रेस पहनी थी वो तो नहीं, हाँ दिवाली की मैं स्टिच करने की ही सोच रही हूँ। तो फैब्रिक लेने जाना है मुझे, थोड़ा सा गोल्डन येलो फिर से लेंगे ताकि हम थोड़ा ऑरेंज के ऊपर इसको दे सके, ठीक है। हल्का सा हमने गोल्डन येलो लिया और इसको ऑरेंज के ऊपर तक लेकर आ गए, सो दैट हमारी ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाएगी। दोबारा से थोड़ा सा और गोल्डन येलो लेंगे और फिर से थोड़ा ऑरेंज के ऊपर, इससे ना हमारी ब्लेंडिंग अच्छे से आती है, स्ट्रोक्स नहीं दिखते और हमें एक बहुत अच्छा फाइन लुक मिलता है। अब ये वाली लाइन को क्लीन करना है, ब्रश को वॉश करेंगे, थोड़ा सा लेमन येलो ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको लेमन येलो के साथ ब्लेंड कर देंगे। परफेक्ट, ये देखिए हमारा कहीं पर भी कोई स्ट्रोक नहीं नजर आएगा, कोई पैच नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको एकदम परफेक्ट ब्लेंडिंग मिलेगी। प्लास्टिक प्लेट में टिश्यू लगाना नहीं मैम, टिश्यू नहीं लगाना है, मैंने तो डायरेक्ट आपके सामने ही टेक्सचर करवाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा ऐसा, ठीक है ना। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा ना पहले बुटीक था, आई लव स्टिचिंग और डिजाइनिंग करना मुझे शुरू से ही पसंद है, तो बस कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए तो मुझे बुटीक अपना बंद करना पड़ा। एक्चुअली मेरी मम्मा को कैंसर था, तो जिस टाइम मेरा बुटीक था तो उनका थोड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा था, तो फिर मैं ना कुछ बुटीक पे फोकस नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने बुटीक को स्विच कर दिया। थैंक यू, और दोबारा से बुटीक स्टार्ट करने का मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मम्मा से ही अटैच था स्टिचिंग का जो मेरा पैशन था, मेरी मम्मा ने ही मुझे स्टिचिंग सिखाई थी, तो दोबारा से स्टिचिंग स्टार्ट करने का मेरा मन ही नहीं हुआ। मैं फैब्रिक लूंगी डियर, फैब्रिक मैं मतलब स्टिच नहीं लूंगी, फैब्रिक लूंगी, तो देखते हैं क्या क्या रेंज आता है फैब्रिक का। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट। देखिए कितना खूबसूरत लुक आ गया ना हमारी प्लेट का, बहुत ही सुंदर दिखेगी, और सच में आप लोगों का मन करेगा कि आप इसको एज अ वॉल डेकोर बना के अपने घर में यूज करें। और कलर में पानी ज्यादा मत रखिएगा, नहीं तो आपकी जो शेडिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, पानी के साथ ना आधा कलर तो ऐसे ही ब्लेंड हो जाता है, तो पानी कम रखो और कलर अच्छे से लो, ठीक है। कलर हमेशा अच्छे से लो, सफिशियंट अमाउंट में, सफिशियंट क्वांटिटी में, तो आपको ब्लेंडिंग करने में आसानी रहती है। और फैन, अभी तो अच्छा मौसम है, आप लोग फैन आराम से ऑफ करके बैठ सकते हैं, जितना आप फैन ऑफ करके रखेंगे आपकी ब्लेंडिंग उतनी ही खूबसूरत आएगी। फैब्रिक तो डिपेंड करता है डियर कि हम लोग कैसा लेते हैं, लाइक अभी मैं तो कॉटन प्रेफर करती हूँ ज्यादा, तो आ जाता है। थोड़ा सा ब्रश को क्लीन करके एक बार ऑरेंज पे ना आप इसको फिर से मूव कर दीजिए, सो दैट आपको और अच्छी फाइन ब्लेंडिंग मिलेगी, आपको पैच कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ब्रश वॉश करके, ओ बहुत हॉट है वहां पे, अच्छा, पर कोशिश कीजिए डियर कि आप लोग ना फैन को ऑफ करके ही कलरिंग करें। लास्ट ईयर तो मुंबई में भी अच्छा वेदर हो गया था ना, अभी वहां पर गर्म है,
मेरी मम्मा जहाँ होंगी ना वो बहुत अच्छी होंगी, बस वो मेरे ही साथ नहीं है, बाकी वो जहाँ होंगी वो बहुत बहुत अच्छी होंगी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अडोरेबल थी, तो वो जहाँ होंगी वहाँ बहुत अच्छी होंगी, बस वो मेरे साथ नहीं है इस चीज का मुझे हमेशा रिग्रेट रहता है कि वो बहुत जल्दी चली गई। चलिए थोड़ा सा रेड के साथ मैं ब्लू को यूज कर रही हूं, ठीक है, ये पर्शियन ब्लू ले लिया मैंने, हल्का ये पर्पलिश टोन में आएगा, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नहीं डियर इट्स ओके, ये तो मेरा ही हार्ड लक है ना, बिकॉज आई डोंट हैव माय मदर विद मी, तो कोई बात नहीं सही कह रहे हैं मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने इसमें पर्शियन ब्लू ऐड किया एंड नाउ इट टर्न लाइक अ पर्पल, बहुत प्यारा शेड आएगा, बहुत सुंदर, इट्स अ पर्पल। ठीक है, रेड प्लस पर्शियन ब्लू, देखिए है ना खूबसूरत, ये सब उन्हीं का ही दिया हुआ टैलेंट है जो मैं आप सबके साथ बांटती हूँ। शी इज मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही अमेजिंग थी, उनके हाथ में इतनी सफाई थी, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मीनू जी, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू सो मच। और देखिए हमने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये जस्ट मुझे ना ऐसे ही माइंड में आया कि हम पर्पल के साथ इसे कंप्लीट करेंगे, हमेशा हम मरून या इस तरह का लेते हैं, तो इस बार हम थोड़ा पर्पलिश लुक देंगे अपने काम को, तो वो बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। और देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है ना, और एक्चुअली ना मेरे क्लाइंट्स ना मुझ पे छोड़ देते हैं अपनी कि आप अपनी चॉइस से बना दीजिए, तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको मैं बेस्ट सर्व करना चाहती हूँ, तो बस इसीलिए कोशिश यही रहती है कि आप सबको अपने सभी क्लाइंट्स को मैं हमेशा सेटिस्फाइड कर सकूं। हमने इसमें ब्लैक नहीं यूज किया है, ठीक है, याद रखिएगा इट्स नॉट ब्लैक, ये हमने पर्शियन ब्लू लिया है, हमेशा हम ब्लैक लेते हैं ना, मरून कलर यूज करते हैं, इस बार हमने पर्पल कलर यूज किया है। हेलो रेनू जी, अब हल्का सा रेड लेंगे अपने ब्रश में और जो ये हमारा पर्पल है ना इसको सेटल डाउन कर देंगे, क्योंकि जब तक आप सेम कलर से सेटल डाउन नहीं करोगे तब तक जो आपका हल्का सा एक पैच आता है ना, लाइन आती है, वो मर्ज आउट नहीं होती और आपको इफेक्ट भी उतना अच्छा नहीं मिलता। मैं अभी आपको ये फ्रंट से दिखाती हूँ, दिस प्लेट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, एकदम परफेक्ट लुक आया है प्लेट का, और कंप्लीट होने के बाद कोई नहीं बोलने वाला कि इट्स अ प्लेट, ये हमारी ब्रोकन प्लेट है, कंप्लीट होने के बाद इसे कोई नहीं कहेगा। आप इसको अच्छा लुक देने के लिए बैक में भी कलर कर देंगे, ठीक है, बैक का कलर मैं बाद में करूंगी, मैं अभी आपको सिर्फ फ्रंट का करके दिखा रही हूं। देखिए कितना वाइब्रेंट लुक आएगा वॉल पे, कितनी खूबसूरत दिखेगी हमारी प्लेट, वाओ। थैंक यू सो मच, हमारा स्टेंसिल वर्क देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे हल्का सा एक ब्रश का काम होना है, बहुत लाइट सा, यहाँ थोड़ा सा मुझे पैच दिख रहा है,
क्यू। अभी देखिए, अभी कहीं पे कोई पैच नहीं है, हल्का सा रेड का काम होना था। सी, अब इसे हल्का सा सूखने देंगे और फिर हम इस पे करेंगे गोल्डन और कॉपर। हाँ, बहुत सुंदर दिख रही है ना पारुल जी। थैंक यू सुचित्रा जी, थैंक यू सो मच। प्लीज सभी लोग शेयर कीजिएगा। देखिए इतना अच्छा क्राफ्ट मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे शेयर किए होंगे आप सभी ने। और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए प्लीज। देखिए गोल्डन कलर तो हम यही यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको सूखने देंगे, अभी गीला है ना ये। देखिए थोड़ा सा 2 मिनट इसको सूखने देते हैं और फिर इसमें हम मिरर्स लगाएंगे। तो मिरर तो मैं आपको लगा के पिक भेज दूंगी और बाकी कलर मैं आपके सामने अभी करके दिखाऊंगी। देखिए, और ये मेरी ड्रेस से भी मैच कर रही है ना। थैंक यू संयुक्ता जी फॉर शेयरिंग। प्लीज आप सभी लोग शेयर कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। आप किसी भी कॉर्नर से देखिए, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू वन्ना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पारुल जी। थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं, ये सूख जाए और फिर हम आगे का काम करेंगे। दीज आर माई क्लासेस, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। हेलो अलका जी, ये देखिए मेरी टेक्सचर पेंटिंग सेकेंड वाली। आज इसकी भी हम कलरिंग करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग कलरिंग सिखाऊंगी मैं। और इसमें हम गोल्ड फॉइल भी यूज करेंगे और कलरिंग भी बहुत अमेजिंग होगी इसकी। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। आप पूरा टेक्सचर देखिए कितना खूबसूरत आया है, एकदम हमने रेफरेंस के जैसा ही किया है, बिल्कुल रेफरेंस जैसा। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है इस वर्कशॉप को तो वो कर सकता है। बिफोर दिवाली हमारी ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी। एक पेंटिंग हमारी ऑलमोस्ट डन है, आप इसका भी टेक्सचर देखिए और शाइन देखिए कितनी सुंदर है ना। तो आप दोनों में से कोई भी आराम से कर सकते हैं। जो मेरी, थैंक यू शिखा जी, थैंक यू वन्ना जी, थैंक यू सो मच। चलिए इस पे आगे का काम करें। थोड़ा सा और ये ड्राई हो जाए और उसके बाद हम इसका आगे का काम करेंगे। आज हम इस वाली प्लेट को कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास थोड़ी सी ये गोल्ड वैक्स है तो मैं ये गोल्ड वैक्स भी यूज करूंगी। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये वाला गोल्ड कलर यूज करूंगी और मेरे पास ये कॉपर शेड है, इसको भी मेरे को यूज करना है। लेट्स सी, अगर ये मेरे से खुलता है तो इसको भी हम यूज करेंगे। प्लीज सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओनली 26 शेयर्स, प्लीज शेयर्स बढ़ाइए थोड़े से। ठीक है, देखिए ये वाला है वो डिजाइन। तो अगर आप करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टेक्सचर पार्ट हमारा हो गया, देखिए बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर हुआ है जैसा आप रेफरेंस में देख रहे हो। तो सेम मैंने वैसा ही टेक्सचर करवाया है और ऐसी ही हम कलरिंग करेंगे, सेम कलरिंग। तो अगर बिल्कुल विदाउट एनी डाउट आप ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट हमारा ये डिजाइन है, इसको भी हम डिट्टो ऐसा ही बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही सेम काम होगा। कलरिंग वगैरह एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली सेम। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं ना तो आप बहुत बहुत अच्छा काम सीखते हैं, बहुत अलग काम सीखते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो गई और ये हमारी चल रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छी वर्कशॉप है, अगर आप करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं। फी इज नॉट वेरी मच, बहुत मिनिमम फी है। कॉम्बो है तो एकदम स्मॉल सी फी है, आप लोगों को फी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगी, बिल्कुल स्मॉल फी में है ये। और ये मेरी अपकमिंग क्लास है, इसकी भी फी बहुत ही स्मॉल सी है, नॉट अ वेरी बिग फी। और इसमें हम बहुत अच्छी सॉफ्ट कलरिंग करेंगे, एकदम सॉफ्ट और सूदिंग कलरिंग करवाऊंगी, जस्ट लाइक
जो ये हमारा है ना कृष्णा, इसी की तैराकी कर रही। पूनम जी क्या कितनी है मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। थैंक यू स्वाति जी फॉर शेयरिंग, फटाफट से शेयर कीजिए ताकि हम अपनी कलरिंग स्टार्ट करें आगे की, क्योंकि अगर शेयर्स नहीं बढ़ेंगे तो मैं एक नॉर्मल कलरिंग के साथ इसे कंप्लीट करा दूंगी। फटाफट से शेयर बढ़ाइए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। पूनम जी आप इसके लिए ना प्लीज मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? मेरा नंबर यहाँ पे मैं पिन कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि फी इज हाई, बहुत ही मिनिमम फी के साथ है। तो ये नंबर मैंने यहाँ पिन कर दिया है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शेयर्स बढ़ाइए अगर कलरिंग आपको वैसी ही चाहिए जैसी मैंने सोची है, तो फटाफट से शेयर्स कीजिए। 26 शेयर्स ही है स्टिल। जल्दी जल्दी शेयर बढ़ाइए जल्दी जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये वाली सभी क्लासेस ना, सब क्लासेस ऑफर में अभी भी चल रही हैं, तो आप लोग अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है इन क्लासेस को तो वो कर सकता है। ऑल क्लासेस आर इन ऑफर और ऑल कॉम्बोज आर ऑल्सो इन ऑफर। सभी कॉम्बोज पे ऑफर है, सभी क्लासेस पे ऑफर है, तो आप ज्वाइन करना चाहें मोस्ट वेलकम, आराम से कर सकते हैं आप सब ज्वाइन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दर्शना जी आपने शेयर किया है, लेट मी चेक। मुझे तो अभी भी 26 ही दिख रहे हैं। विनीता जी ऑफर जो है ना आप मुझसे मेरे नंबर पे पूछ लीजिए, नंबर मैंने यहाँ पे पिन किया है ना, आपको दिख रहा होगा ना नंबर मेरा यहाँ पे पिन किया हुआ, 7060200401। इस पे आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए और अगर आपको सही लगेगा तो मोस्ट वेलकम। ओके बिल्कुल भी हाई फी नहीं है और मेरा सिखाने का तरीका भी बहुत ही आराम से है। थैंक यू दर्शना जी, थैंक यू। बहुत ही प्यार से और आराम से सिखाती हूँ मैं, तो अगर कोई भी क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो मोस्ट वेलकम। देखिए मेरे पास ना ये गोल्ड वैक्स है, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना ये वैक्स बहुत अच्छी है, तो लिटरली ये वैक्स बहुत अच्छी है। अभी जैसे ऑफर है मेरे ख्याल से ना, अभी लिटिल बर्डी पे भी ऑफर है, तो आप लोग ये वैक्स परचेज कर सकते हो। दीज वैक्स आर रियली वेरी नाइस। इसमें जो ये एंटीक गोल्ड है और एक ब्राइट गोल्ड, ये दोनों तो बहुत ही अमेजिंग है, कहीं पर भी किसी भी सरफेस पे आप इन्हें आराम से यूज कर सकते हैं। और मैं मोस्टली आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू बिक्की जी। तो कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए फिंगर पे आप इस तरह से आराम से ले लीजिए, ये लिया आपने, और जहां आपका टेक्सचर है ना उसके अपर पे आप इसको इस तरह से यूज कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा। अभी ना हर जगह ऑफर है, तो इस तरह के ऑफर में ना आप 8 सप्लाईज खरीद सकते हो। हाँ मैं भी तो यही बोलती हूँ कि साइड में एक आइकन आता है और ज्वाइन करते ही आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, मेरे लिए भी अच्छा है आपके लिए भी अच्छा है। देखिए आपका टेक्सचर इतना खूबसूरती के साथ इनहेंस हो जाता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही प्यारा। और जब आप फिंगर से काम करते हो ना तो आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत ही प्यारी फील आती है आपके काम में। तो अभी बहुत अच्छे ऑफर हैं इस टाइम पे, तो आप लोग भी ना कुछ 8 सप्लाईज इन ऑफर में परचेज कर सकते हैं। वैसे तो देखिए दीज आर एक्सपेंसिव, पर ऑफर में ना हमें अच्छी चीज मिल जाती है, तो आप लोग सर्च कीजिए। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है अपने 8 सप्लाई में तो वो ले सकता है।
और मुझे इसको यूज करते हुए आई थिंक 2 साल हो जाएंगे, और अभी तक देखिए कितना खत्म हुआ है, जरा सा ही खत्म हुआ है, और वार्निश के बाद भी इसका इफेक्ट रहता है, खत्म नहीं होता, बिल्कुल सही रहता है। चलिए अभी ये तो हमने गोल्डन यूज कर लिया, अभी हम इस पे दूसरा कलर यूज करते हैं। आपको मैं पहले इसका लुक दिखाती हूँ, इट्स लुकिंग अमेजिंग। फिंगर से काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। हेलो सुषमा जी, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं डियर। फिंगर पेंटिंग वो तो बहुत आसान है, आपको वो सीखनी है तो ठीक है, हम उसको भी सिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। ये देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है ना हमारी प्लेट। चलिए आगे की तरफ काम करें, इसमें अभी इसमें मिरर्स लगेंगे तो ये और भी बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत बहुत अच्छी दिखेगी। कोई बात नहीं डियर, आप आराम से बाद में देख लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ आप गोल्डन एक्रेलिक, वो तो मैं भी करवाऊंगी अभी आपको गोल्डन एक्रेलिक, ये तो मेरे पास गोल्ड वैक्स है तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। यहाँ पे गोल्डन एक्रेलिक तो हम करेंगे ही डियर। राधे राधे जी, भारती जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज आप भी शेयर कर दीजिएगा। ये रहा मेरा गोल्डन कलर, ओके ये है गोल्डन कलर, इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूं, या चलिए इसको इसके कैप पे ही निकाल लेते हैं यहां पे, ओके ज्यादा नहीं है। इसे भी मैं आपको फिंगर से ही यूज करके बताऊंगी कौन सा कलर है ये। सुषमा जी दीज आर गोल्ड वैक्स, ये देखिए इस तरह से फिंगर पे लेंगे और आप हल्का हल्का इसको यूज करिए, तो आपका जितना भी वर्क है ना वो बहुत अच्छे से इनहेंस हो जाएगा। फिंगर से मुझे थोड़ा सा ना ज्यादा कंफर्ट फील होता है। अब इसमें हमारा मेन काम रह गया मिरर को यूज करना। हेलो वैशाली जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर, प्लीज शेयर द वीडियो। चलिए फिंगर से ना काफी टाइम लग रहा है, मैं आपको ब्रश से ही करके बता देती हूँ, जल्दी से बहुत टाइम लग जाएगा। गुड आफ्टरनून स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से ना ब्रश को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कलर निकाल देंगे ब्रश का, और फिर इस तरह से हम इस पे हाईलाइटिंग कर देंगे। थोड़ा और लेंगे और सारा कलर जो है वो एक्स्ट्रा निकाल देंगे, और उसके बाद इस पे हल्की हल्की सी ना हाइलाइटिंग देंगे। नाउ इसमें हम करेंगे मिरर का काम, और मिरर्स के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत मास्टरपीस बन जाएगा हमारा। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू वैशाली जी फॉर शेयरिंग। हाँ वैक्स के ऊपर आप आराम से वार्निश कर सकते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वैक्स के ऊपर वार्निश नहीं कर सकते, बट वो आराम से स्टे करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप आराम से वार्निश कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये भी सबको बहुत पसंद आएगी, आप देखिएगा, दिस ऑल्सो बिकम वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर लगेगी।
प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। सी बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही प्यारी। हेलो सुदेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब इसमें हमारा जो मेन काम है दैट इज मिरर। तो मिरर लगाने के बाद ये बहुत प्यारी दिखेगी। हेलो सोनिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अलॉट। थैंक यू स्वाति जी, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। वैक्स का यूज करिए, वैक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है कहीं पर भी कुछ अलग सा फील देने के लिए। हेलो अनीता जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे इट्स लाइक अ प्रिंट, है ना। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने स्टेंसिल से काम किया है, इट्स लुक लाइक अ प्रिंट, और ये प्रिंट बहुत ही सुंदर फील देगा। देखिए जहां मैंने ब्लू कलर किया था ना, सॉरी पर्पल किया था, मैं वहां पे ब्लू वैक्स यूज कर रही हूं थोड़ा सा फॉर एनहेंसिंग। इससे मुझे थोड़ा और अलग लुक मिल गया। वैक्स यूज करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वाओ, वैक्स के साथ आप कितनी भी प्लेइंग कर सकते हो, आप किसी भी कलर की खरीद लीजिए। एक तो इनके ड्राई होने की टेंशन नहीं होती है और आपको इनके साथ काम करने में भी बहुत आसानी रहती है। देखिए आ गया ना एकदम डिफरेंट लुक। हाँ मैंने आपको ब्रांड भी बताया है ना इसका, रुकिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। थैंक यू सिद्धेश जी, थैंक यू अनमोल जी, थैंक यू सो मच। देखिए ये इट्सी बिट्सी का है, सॉरी लिटिल बर्डी का है ये, मुझे इट्सी बिट्सी याद रहता है। इट्स अ लिटिल बर्डी, मैंने पिक भी इसका कई बार शेयर किया है आप सबके साथ, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इसकी ना पिक ले लो, जिसको भी देखना है आप इसकी पिक क्लिक कर लीजिए, ये लीजिए ठीक है, आप इनकी पिक क्लिक कर लीजिए। ये सब लिटिल बर्डी मेटेलिक वैक्स, ये ग्रीन कलर में है, ये एक्वा श्री है और ये एंटीक गोल्ड है। ओके तो आप ये आराम से परचेज कर सकते हैं। सब कलर आते हैं इसके, सभी कलर्स। जी सुचित्रा जी, इसके हर कलर आता है इसका, और मैंने तो अभी तक सिर्फ ये एक कॉम्बो खरीदा था तो मुझे ये अच्छा लगा, आप लोग और भी ले सकते हैं। देखिए अभी ब्लू करने के बाद इसका लुक देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके पीछे आप हैंगिंग क्लैम्प लगा लीजिए। नीलिमा जी भी यूज करती हैं ये वैक्स। चलिए तो कल हम अपनी सेकंड प्लेट का काम करेंगे और परसों से हम करेंगे सबसे पहले लक्ष्मी जी के चरण और फिर हम बनाएंगे शुभ लाभ। उसका मटेरियल जो भी है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी, आप आराम से देख लीजिएगा। और बैक टू बैक हमारी क्लास रहने वाली है, कोई ऑफ नहीं रहेगा, तो सभी ज्वाइन कीजिए, सभी शेयर कीजिए और साथ साथ में काम भी कीजिए। दिवाली है, बहुत काम करना है, तो सभी काम कीजिए। और क्लासेस जो भी ज्वाइन करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये हमारी पेंटिंग भी बहुत अच्छी बन रही है, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल 3D लगेगा ये भी बनने के बाद। और दूसरी प्लेट हम कल करेंगे ना पारुल जी, आज नहीं, आज हमारी एक प्लेट कंप्लीट हो गई, कल एक प्लेट कंप्लीट करेंगे। ओके तो ये भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। फर्स्ट पेंटिंग कंप्लीट है हमारी, सेकंड पेंटिंग अंडर प्रोसेस और थर्ड पेंटिंग हमारी 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो बिफोर दिवाली हमारी ये वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी, 2 दिन में इसकी कलरिंग हो जाएगी। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। कोई भी डिटेल लेनी है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर यहीं पे पिन है। ऑल क्लासेस आर अवेलेबल
और सभी में फी में अच्छा ऑफर रहने वाला है आप सबके लिए। कोई भी कॉम्बो ले सकते हैं आप अपनी चॉइस से, और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा हर एक पेंटिंग का। आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप काम कीजिए और मुझसे अपडेट करते रहिए। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे जी। और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ये देखिए कितने खूबसूरत गणेश जी हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कनिका जी, आपका शायद फेविकॉल का इशू है, दैट्स वाई, अदरवाइज तो क्रैक नहीं आता। आपका शायद फेविकॉल का इशू है, आपने ही फेविकॉल SH यूज किया है ना। राधे राधे जी, दर्शना जी, फेविकॉल SH, फेविकॉल मरीन, ये हमारे ना काम के नहीं है। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं, फी इज वेरी मिनिमम, दैट इज नॉट अ मतलब एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मिनिमम है। अब आप उसमें पानी भी मिलाओगे ना मैम, तो वो पानी के साथ भी शायद क्रैक जनरेट हो। हर क्ले डिफरेंट होता है एकदम, हर क्ले एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और कुछ चीजें तो हमें पेड क्लास के लिए रखनी पड़ती है ना, अगर हम फ्री में सब सिखा देंगे तो फिर हम पेड क्लास में क्या सिखाएंगे। तो कुछ चीजें आप हमारे लिए पेड क्लास के लिए छोड़ दीजिए, बाकी फ्री में हम आपको बहुत कुछ बताते हैं। अच्छा लगता है बताना, खुशी होती है आप लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों के साथ बातें करके। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करूं, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जितना हम शेयर करेंगे ना उतना ही हम ग्रो करेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर करूं, हर एक टेक्निक आपको डिटेल में सिखाऊं, बिल्कुल एक-एक इफ एंड बट के साथ। क्योंकि कई बार जब हम काम करते हैं तो हमें इफ और बट जनरेट होते हैं, फिर समझ नहीं आता कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका इफ, उसका बट और उसका क्लियर सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है, थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू सो मच। हेलो सुनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे जी, चलिए अभी सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पे विद अनदर प्लेट। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू संयुक्ता जी।